शादी इंसान की जिंदगी में पेश आने वाला एक हसीन वाकया। शादी का लफ्ज जब कानों से टकराता है तो जहन में पाकीज़ा मोहब्बत का तस्वूर आता है, जिंदगी के खूबसूरत रिश्ते का तस्वूर आता है। लेकिन जैसे ही इस शादी के साथ दूसरी जोड़ दिया जाता है और बन जाती है दूसरी शादी, वैसे ही ये लफ्ज मुतनाज़ा हो जाता है। हमारे माशरे में अगर लड़की बेवा है, जवान है, मुतल्लका है, 30 साल की 25 साल की शादीशुदा नहीं है, तो उसके गुमराही के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया में 4,32,00,000 बेवाएं, साथ में ऐसी औरतें जिनका तलाक हो चुका है और सेपरेटेड हैं, ये सबको मिलाएंगे तो 4,65,00,000 हो जाता है। कुछ लोग दूसरी शादी को माशरे के लिए रहमत समझते हैं तो कुछ लोग उसको जहमत समझते हैं। किसी भी मुसलमान मर्द या औरत ने बहैसियत दीन इसे नापसंद किया या इससे नफरत का इजहार किया तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह का फतवा है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान ही नहीं। आप महसूस कीजिए कि एक 30 साल की मुतल्लका औरत है, 25 साल की बेवा औरत है, उसके शब रोज कैसे गुजरते हैं। दूसरी शादी का असल मामला ये नहीं है कि हर आदमी की दो बीवियां हों, बल्कि दूसरी शादी में असल हिकमत ये कि हर औरत का एक शौहर हो। हिकमतें, एतराजात और मशवरे, जानिए उलमा और स्कॉलर्स से क्यों है जरूरी दूसरी शादी। देखिए दूसरी शादी हर मंगल और बुध रात 8 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए।